तो राम का नाम 24 में किसका बनेगा काम? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है। केशव मौर्य कह रहे हैं सैम पित्रोदा उसी पार्टी के नेता हैं जो राम को काल्पनिक बताती रही। केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा। मौर्य के मुताबिक स्वामी वही बोलते हैं जो अखिलेश कहते हैं। स्वामी की जुबान का रिमोट कंट्रोल अखिलेश के हाथ में। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। केशव जी, बड़ा अयोध्या का चक्कर लगा रहे हैं, पूरा चमकाए डाल रहे हैं अयोध्या को, क्या वजह है? देखिए, अयोध्या भगवान श्री राम लला की जन्मभूमि है। भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। 22 जनवरी की तिथि भी निकट है। 30 दिसंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राम भक्त प्रधानमंत्री, यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा बहुत पहले बुलंद कर दिया था और पूरा देश इस स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बना और एक जन आंदोलन का रूप धारण किया। अयोध्या के बारे में हम इतना ही कह सकते हैं, जहाँ जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम। और इसकी प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोगों को प्राप्त होती है। राम मंदिर तेजी से बन रहा है, पूरे देश में हर्ष और खुशी का माहौल है, राम भक्त प्रसन्न है, लेकिन इसे लेकर कुछ राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं सैम पित्रोदा, उनका ये कहना है कि पूरा देश राम मंदिर की बात कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री वो मंदिरों में जाते हैं, उन्हें लाइब्रेरी में जाना चाहिए, अन्य जगहों पर जाना चाहिए, इससे सैम पित्रोदा को परेशानी हो रही है, क्या परेशानी का इलाज मानते हैं? कांग्रेस को तो श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने से ही परेशानी हो रही, जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे। दूसरी तरफ वह राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने के लिए उतावले भी हैं और जो वह कह रहे हैं, मुझे लगता है वो पूरी व्यवस्था का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। जब से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, तब से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की आत्मनिर्भरता के लिए, देश में इतना काम हो रहा है कि हम भारी बहुमत से लगातार विजय यात्रा पर हैं और कांग्रेस अंत की ओर है। तो अगर यह समझ में नहीं आ रहा है तो कहते हैं जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर ली। ये अखिलेश यादव की पार्टी के ही बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो हिंदू धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। उनका कहना है कि हिंदू धर्म छलावा है, धोखा है, किस तरह से देखते हैं उनका ये बयान? मैं इतना ही मानता हूँ कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी के वो रट्टू तोता हैं, जो वह लिख करके दे देंगे, उन्हें उतना ही बोलना है, न एक शब्द कम न एक शब्द ज्यादा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।